इसके बाद हम पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ इक्वलीबरियम के इक्वलीब्रियम के हमारे पास कितने कंडीशन हैं तो देखें एक हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वलीब्रियम तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वलीब्रियम का क्या मतलब है इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन वी विल से डेट द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वलीब्रियम इज सेटिस एक्टिंग ऑनडी इज जीरोन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वलिब्रियम इज सेटिस्फाइड अब इसका क्या मतलब है तो स्टार्ट में हमने एक एग्जाम्पल ली कि दिस इज़ अ मास और इस पे अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इतना ही फोर्स अगर इस पे अपवर्ड लेट से हम कंसिडर करते हैं एफ टू इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है एक फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उस केस में हमने कहा कि ये जो होगा ये ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट में, यानी अपवर्ड फोर्सेस और लेफ्ट राइट पे जो फोर्सेस हैं, ये बैलेंस हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास होगा ये रेस्ट स्टेट पे हमारे पास होगा तो जब हम इन सब फोर्सेस को एड करें जब हम इन सब फोर्सेस को जो नेट फोर्स हो नेट फोर्स वो इक्वल होगा एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस जितने भी फोर्सेस हैं, इनको विक्टोरियली हमने ऐड करना है अपटू एफ एन फोर्सेस और ये जीरो हो, यानी एफ नेट फोर्स हमारे पास जो हो वो जीरो हो। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एफ नेट फोर्स जो होगा हो हमारे पास वो इक्वल होगा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वेयर आर एन इंडेक्स आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू वी आर एन स्टार्ट फ्रॉम वन टू या यहां पर हम आई लिख लेते हैं आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन तो ये जब जीरो होंगे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो होंगे तो तो जब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी हमारे पास जीरो होंगे तो हम कहेंगे ये होगी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी लेकिन रिमेंबर दिस इज अ वेक्टर सम दिस इज अ वेक्टर सम तो वेक्टर सम को जब हम विक्टोरियली भी उसको ऐड करें और विक्टोरियली उसका रिजल्टेंट हमारे पास जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि वो बॉडी हमारे पास होगी किस स्टेट में वो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी विच इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो यानी दोबारा देखें एक फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में है दिस इज एफ टू एक फोर्स हमारे देखें एफ वन इज इन एक्टिंग डाउनवर्ड दिस इज एफ वन एफ थ्री उस डायरेक्शन में है दिस इज एफ थ्री एंड दिस इज एफ फोर एफ वन टू थ्री फोर दिस इज एफ फोर अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें रिजल्टन कहाँ है? दिस इज नॉट रिजल्ट दिस इज नॉट द रिजल्ट दिस इज नॉट द रिजल्ट दिस इज नॉट द रिजल्ट तो जो रिजल्ट फोर्स है जिसको हम एफ नेट कह रहे हैं वो हमारे पास जीरो आ रहा है एंड डेट्स वाई वी विल से डेट दिस इज इन इट इज सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वरी तो वैक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स हमारे पास होगा इक्वल होगा जीरो के तो ये वैक्टर्स किस किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं तो बुक में vectors गिवन है मुख्तफर्स हमारे पास गिवन है और उनका जब आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे उन सब फोर्सेस को जब आप एड करेंगे और उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास जीरो आएगा जीरो तो वेक्टर्स की डायरेक्शन जो भी हो बस उनको हेड टू टेल रूल के जरिए प्लॉट करें और अगर आपके पास एंड में रिजल्ट नहीं आ रहा नल वैक्टर आ रहा है तो डेट विल सेटिसफाई द फर्स्ट कंडीशनियम डेट समीज इक्वल टू जीरो मजीद थोड़ा सा इसको समझेंगे लिख से ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इसका कुछ मास है और इस पे ये फोर्सेज हमें ग्राफिकली गिवन है दिस इज द एक्स एक्सिस दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस दिस इज द पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस और ये इस मास पे कुछ फोर्सेज लग रही हैं तो ग्राफिकली क्या हम बता सकते हैं कि अगर हमें कोई कहे कि दिस इज अ मास और इस पे ये फोर्सेज लग रही है एफ वन F3, F3, सबकी डायरेक्शन भी गिवन है और इनको हम रिजोल्व भी कर सकते हैं हर एक फोर को एक्स वाई वाई कॉम्पोनेंट एक्स कॉम्पोनेट वाई कॉम्पोनेंट एक्स कॉम्पोनेट इसी तरह इस, इसका भी कुछ हमारे पास होगा इसका भी हमारे पास एक्स और वाई कॉम्पोनेंट होगा इसका एक एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट अब हमें किस तरह पता, पता लगेगा कि ये जो मास है ये इक्विलिब्रियम में है ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कह रहा है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑल द फोर्सेस आई स्टार्ट्स फ्रॉम इसको मैं लिख लेता हूं आई आई स्टार्ट्स फ्रॉम वन टू एन तो इसको हम कहेंगे कि द द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो होंगे वो हमारे पास जीरो होंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो क्या करेंगे इसको हम हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करेंगे और हम ये पढ़ चुके हैं कि हम मोर देन टू वेक्टर्स को ग्राफिकली किस तरह ऐड करते हैं तो देखें एफ वन को लेंगे ऑर्डर जो भी होगा इट डजंट मैटर ऑर्डर जो भी हो हमारे पास तो देखें f1 इस डायरेक्शन में है सही है और इसके बाद f2 किस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में है f2 को इस तरह लेंगे तो ये इतना एक्यूरेट नहीं आएगा लेकिन कोशिश करेंगे अब इसके बाद है हमारे पास f2 फिर हमारे पास f3 इस डायरेक्शन में है f3 तो इसको इस तरह बनाएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली exactly इस तरह बनाएंगे f3 इस डायरेक्शन में है और हमारे पास जो F4 है वो इस डायरेक्शन में है देख सकते हैं बिल्कुल F4 और F5 हमारे पास इस डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट तो यहां पे देखें रिजल्टेंट हमारे पास नहीं बन रहा देखें ना दिस इज F1 दिस इज F2 फोर्स दिस इज F3 दिस इज F4 दिस इज F5 अब देखें रिजल्टेंट यहां पे देखें रिजल्टेंट पे यहां पे जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इसी वेक्टर का जो हेड है इसी इसी पॉइंट से लेके वेक्टर का जो हेड है तो यहां एक ही पॉइंट पे है तो इसको हम कहते हैं नल वेक्टर नल वेक्टर इसको हम पढ़ चुके हैं यानी जो हमारे पास रिजल्टेंट है एफ आर वो हमारे पास इक्वल है जीरो के नल वेक्टर के रिजल्टेंट जो है हमारे पास वो जीरो है इसका जिसको हम कहते हैं नल वेक्टर और नल uh, वेक्टर भी हमारे पास वेक्टर का एक टाइप है तो हम कहेंगे कि इट इज इन स्टेट ऑफ इट इज सेटिस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वलीबरियम अब देखें अब जो हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर देते हैं इक्वल होता था एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ एक्स के अलोंग जितने फोर्सेज हैं और एफ वाई के अलोंग जितने फोर्सेज होंगे हमारे पास वो तो अगर इसको मैं मजीद इस तरह इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू एफ एक्स तो फिर यूनिट वैक्टर्स हटाते हैं तो फिर इसकी जगह हम यूनिटिव रिमेंबर के सेटिसफाई होने का मतलब ये अगर हर एक वैक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट भी होगा और वाई कॉम्पोनेट भी होगा ये होगा एफ वन एक्स ये होगा एफ टू वाई इसी तरह इसका होगा ये जो होगा ये होगा, 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 होगा एफ फाइव एक्स एफ एफ फाइव वाई इसी तरह ये भी वाई होगा सॉरी ये एक्स होगा इसी तरह इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा ये होगा हमारे पास ये होगा एफ फाइव एक्स और ये इसका जो ये कंपोनेंट होगा ये होगा एफ फाइव वाई तो हर एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग जितने कंपोनेंट्स होंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग जितने कॉम्पोनेंट होंगे वो भी जीरो होंगे यानी एफ यानी सम ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स

इन फिर जब हम रिजल्टन फाइंड आउट करेंगे तो एक्स कॉम्पोन प्लस वाई कॉम्पोनेट सब वेक्टर्स के एक्स ऐड करेंगे फिर सब वेक्टर्स के ऐड करेंगे तो रिजल्ट होगा वो हमारे पास एक नल वेक्टर आएगा एंड रिमेंबर दिस द केस फॉर कोप्लेनर कोप्लेनर फोर्स और कोप्लेनर फोर्सिस वो फोर्सेज होते हैं यानी ये देखें ये सारे फोर्सेज इसी बोर्ड में पड़े हुए हैं दे आर लाइन इन दिस सेम प्लेन दे आर लाइंग इन दिस सेम प्लेन तो देखें ये सारे फोर्सेज इसमें इसी तरह पड़े हुए हैं तो अगर एक फोर्स इससे आउटवर्ड पड़ा हुआ है तो नाउ दिस इज नॉट अ कोप्लेनर फोर्स ये फोर्स इस पर कोप्लेनर रही होंगे अगर एक फोर्स आउटवर्ड है तो ये ये दो तो कोप्लेनर है बट दिस इज नॉट कोप्लेनर इट इज नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन विद दीज फोर्सेस तो ये सारे फोर्सेस इसी प्लेन में मौजूद हैं और इसको हम कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस।

Y components जितने होंगे वो भी जीरो होंगे और resultant vector जो होगा हमारा वो एक null vector होगा resultant vector होगा यानी जो so इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अब इसके बाद हमारे पास है सेकंड कंडीशन इज रिलेटेड रोटेशनल एनालॉग जिसको हम कहते हैं टॉर्क ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी तो जब रोटेशन की बात होगी तो उस केस में इक्विलिब्रियम को किस तरह डिस्कस करेंगे इफ द वेक्टर सम रिमेंबर द सम मस्ट बी द वेक्टर सम नॉट द ऑर्डिनरी सम इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड इसका क्या मतलब है लेट से ये मेरे पास एक रॉड है सिंपल इसके एग्जाम्पल लेते हैं और देखें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक पॉइंट पे, पे यहां पे फोर्स लग रहा है

यहां पे भी मैं इतना ही फोर्स लगाऊं यहां पे भी मैं इतना ही फोर्स लगाऊं यानी लगाऊक वाइज को बैलेंस कर रहा है एंटी क्लॉक रोटेट करेगा अबाउट दिस एक्सिस इस तरह और ये इसको रोटेट करेगा अबाउट दिस एक्सिस इस, इस तरह uh. यानी अगर ये पेन यहाँ पे एक फिक्स्ड एक्सिस है मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और ये इसके अलोंग इस तरह रोटेट कर रहा है ये पेन इसके अलोंग इस तरह रोटेट कर रहा है तो अगर यहाँ पे भी इतना ही फोर्स लगे इस डायरेक्शन में भी ऊपर फोर्स लगे और यहां पे भी इस पॉइंट पे भी इतना ही फोर्स लगे तो देखें ये क्लॉक वाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और ये एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो जब दोनों इक्वल होंगे सो देर विल बी नो रोटेशन देयर विल बी नो रोटेशन यानी क्या मतलब है इसका कि ये जो क्लॉक वाइज टॉर्क है इसको हम कहेंगे क्लॉक वाइज टॉर्क और टॉर्क हमारे पास इक्वल होता है आर एफ साइन ऑफ थीटा ये हमें पता है और ये जो होगा ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जिसको काउंटर क्लॉक वाइज टॉर्क भी कहते हैं एंटी क्लॉक वाइस एंटी क्लॉक वाइज तो देखें इस केस में जब इन दो वेक्टर्स को हम एड करेंगे इन दो वेक्टर्स को तो देखें इस केस में जो इनका वेक्टर सम आ रहा है वो हमारे पास जीरो होगा यानी जब टॉर्क टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी इस केस में तो देखें

एक क्लॉकवाइज टॉर्क है इसको लेट से मैं लिखता हूं क्लॉकवाइज ये क्लॉक वाइज टॉर्क है और एक एंटी क्लॉक वाइज है इसको मैं लिखता हूं एंटी तो टू सिमिलर इक्वल फोर्सेस को अगर आप इसको हेड टू टेल रूल के जरिए भी एड करेंगे तो आपके पास जो नेट टॉर्क होगा नेट टॉर्क वो इक्वल होगा जीरो तो बस रिमेंबर कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कह रहा है कि द नेट टॉर्क रिप्रेजेंट करते हैं नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स तो जितने भी टॉर्क लग रहे हैं टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री जितने भी हैं अप टू अपून प्लस अप टू टी एन टॉर्क अगर एक बॉडी पे लग रहे हैं और उनका सम जो है हमारे पास वो जीरो है तो हम कहेंगे कि द द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू तो इसको इस तरह लिख सकते हैं I, और ये होगा हमारे पास आई स्टार्ट होगा इक्वल जीरो के तो ये होगा द सम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो तो इसको हम कहेंगे दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर सेटिस्फाई होगा अगर ये रेस्ट पे होगा ये रोटेट नहीं करेगा सॉरी अगर यहां पे पड़ा हुआ है एक फोर्स यहां लग रहा है एक यहां लग रहा है इट इज नॉट रोटेटिंग सो जब टॉर्क हमारे पास जीरो होगा टॉर्क हमारे पास जीरो होगा तो एंगुलर एक्सलरेशन भी हमारे पास जीरो होगा एंगुलर एक्सलेशन भी हमारे पास जीरो होगा, होगा। क्योंकि रोटेशन नहीं होगी तो जब रोटेशन नहीं होगी तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास नहीं होगी जब एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी तो एंगुलर एक्सलरेशन नहीं होगा एंगुलर एक्सलेशन हमारे पास इक्वल होता है इसके तो जब एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास जीरो होगी तो यहां पे इसको पुट करें एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा तो ये है सेकंड कंडीशन इसको फिर मैं बाद में लिख लूंगा तो ये आपने रिमेंबर करना है अब इसको मैं इस इस और किसी और अंदाज में भी इसको मैं लिख सकता हूं और वो है तो देखें इसको हम मजीद भी एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हम हमें पता है या तो टॉर्क क्लॉकवाइज हो रोटेशन होगी उसकी या टॉर्क हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज होता है तो इसको हम इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं इसकी स्टेटमेंट इस तरह भी लिख सकते हैं जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि जो नेट टॉर्क होगा नेट टॉर्क वो या तो इक्वल हो कि सम ऑफ आल द समॉक वाइज टॉर्क क्लॉक वाइज टॉर्क जो होंगे हमारे पास प्लस सम ऑफ आल द एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क जितने क्लॉक वाइज टॉर्क होंगे एक बॉडी पे लगेंगे और जितने क्लॉक वाइज टॉर्क होंगे उन सबको जब हम एड करें और हमारे पास जो नेट टॉर्क हो वो जीरो आ जाए तो तब भी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इस तरह भी लिख सकते हैं इसका मतलब ये है कि जब नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा तो यहां पे जीरो पुट करें तो जब जीरो पुट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो टॉर्क होगा ये इसके बराबर हो जाएगा यानी जब क्लॉक वाइज टॉर्क सम ऑफ क्लॉक वाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह कि अगर समीशन हटाएं यहां से तो हम लिख सकते हैं कि वेन क्लॉक वाइज टॉक इज इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज स्टॉर्क जितने क्लॉक वाइज स्टॉक है वो बैलेंस हो जाएंगे एंटी क्लॉक वाइज स्टॉक है जिस तरह इस केस में हुआ ये फोर्स यहां पे लग रहा था एक फोर्स यहां पे लग रहा था ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं ये क्लॉक वाइज स्टॉक लगा रहा था एंटी क्लॉक वाइज ये क्लॉकवाइज स्टॉक लगा रहा था तो ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं तो क्लॉक वाइज इज बैलेंस बाय एंटी क्लॉक वाइज तो हम कहेंगे दिस बॉडी दिस बॉडी सेटिस्फाइज सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्वलिवरियम तो देखें फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन को थोड़ा सा सेकेंड कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में हमने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो इट मीन देयर इज नो सच एक्सीलरेशन वेयर देयर इज नो फोर्स देयर इज नो एक्सीलरेशन सेकंड कंडीशन में सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इसको मैं लिखूंगा सम ऑफ टीसी टॉसी इज इक्वल टू सम ऑफ टाऊ

मैथमेटिकली आप इस तरह याद कर सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में फोर्सेस की बात हो रही है और सेकंड कंडीशन में टॉर्क्स की बात हो रही है तो टॉर्क बैलेंस होंगे क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इसमें लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा और इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो होगा इसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन तो बस ये आपने याद रखना है अब इसके बाद आते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम पे कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है अब इसके बाद कंप्लीट इक्विलिब्रियम को जब देखें हम इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर रही हो इस तरह की भी कंडीशन ले सकते हैं कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही और इस तरह भी एक कंडीशन हो सकती है कि बोथ फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन किसी एक बॉडी के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं

ये एक रॉड आप कंसिडर कर लें एक रॉड और ये चूंकि ये रॉड जो है आप इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये इस ये इसका जो एक्सिस है इस एक्सिस ऑफ ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है अब देखें इस पे दो फोर्सेस अपवर्ड लग रही हैं और इन दोनों का फोर्स देखें ये फोर्स और इस फोर्स को जब हम एड करें उतना ही फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है इस पे तो देखें ये जो इस पे अपवर्ड तो एक फोर्स लगेगा इतना ही फोर्स डाउनवर्ड लगेगा तो ये ये तो ना रोटेट करेगा और ना ही ये ऊपर जा सकता है अपवर्ड फोर्स इज इज बैलेंस्ड बाय डाउनवर्ड फोर्स तो सम ऑफ द नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू जीरो तो हम कहेंगे फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड और इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम दिस इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए अगर आप यहां देखें सेकंड कंडीशन को चेक करें जरा सेकंड कंडीशन को सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है देखें कि नेट टॉर्क इस पे जीरो होगा देखें अगर ये अपवर्ड ये इस डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करेगा ये एंटी क्लॉक टॉर्क क्रिएट करेगा देख सकते हैं कि नेट टॉर्क जो होगा हमारे पास नेट टॉर्क इस केस में हमारे पास इक्वल है जीरो के नेट टॉर्क भी हमारे पास इक्वल है जीरो के तो देखें इसको इस तरह समझेंगे कि इस पॉइंट ओ के अबाउट इस पॉइंट ओ के अबाउट नेट टॉर्क जीरो क्यों है चूंकि अगर ये फोर्स आप देखें दिस इज नॉट एट अ डिस्टेंस आर ये बिल्कुल इसी सेंटर पे लग रहा है यानी ये आर इज ईक्ल टू जीरो पर पड़ा हुआ है तो जब आर यहां पे जीरो होगा तो इस पॉइंट पे जब इतना ही फोर्स लगेगा जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो आर एट आर इज ईक्ल टू जीरो टॉर्क हमारे पास होगा जीरो के ही इज ईक्ल टू आर एफ तो जब आर जीरो होगा तो ये इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे लग रहा है क्योंकि ये यहां पर नहीं लग रहा अगर ये यहां पर लग रहा होता तो फिर ये रोटेट जरूर होता चूंकि ये बिल्कुल इस एक्सिस के पॉइंट इस पॉइंट पे लग रहा है नीचे तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा तो फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है सेकंड भी तो ये एग्जाम्पल है कंप्लीट इक्विलिब्रियम की दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम इसी तरह बुक की एग्जांपल आप ले सकते हैं बुक की एग्जांपल जो टेबल पे पड़ा हुआ था एक इसका नॉर्मल जो टेबल से अपवर्ड है एक इसका वेट जो डाउनवर्ड है w, तो ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं इसमें कोई रोटेशन नहीं क्रिएट हो रहा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बुक इज जीरो तो ये भी कंप्लीट इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है हमारे पास अब यहां पे अगर हम देखें तो देखें सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इस केस में जीरो है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एफ नेट फोर्स केस में हमारे पास जीरो आ रहे हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन दिस

ये चूंकि कपल की एग्जाम्पल है दिस इज अ कपल इसको हम डिस्कस कर चुके हैं तो ये ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है तो डाउनवर्ड टॉर्क और अपवर्ड टॉर्क तो ये क्या होगा ये इस तरह रोटेट करेगा एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है एक नीचे तो ये रोटेट करेगा तो इट इट विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट दैट इज ओ तो इट्स इसका मतलब है कि सम ऑफ द नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो नेट टॉर्क इस पे जीरो नहीं है तो इट विल स्टार्ट रोटेट start rotating about O. This fixed point O. So तो second condition, jo hai, second condition not satisfied. Second condition satisfy नहीं हो रही जो वो जो के हमारे पास हैं. Sum of all the torques, the net torque must be equal to zero, जो के satisfy नहीं हो रही. अब इस केस में देखें जरा. अब इसमें अगर आप देखें फर्स्ट कंडीशन को तोड़ा ये फोर्स लग रहा है एट अ डिस्टेंस आर ये फोर्स लग रहा है नॉट एट डिस्टेंस आर बल्कि आर से आर डिस्टेंस के हाफ पे इसका डबल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो जाहिर सी बात है ये तो बैलेंस फोर्सेस नहीं है ये तो बैलेंस फोर्सेस नहीं है दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस फोर्स यानी टू फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज ये फोर्स ज्यादा है अगर इस पे मैं force लग रहा, लगा रहा हूं थोड़ा सा और इसका डबल फोर्स इस पे लगा रहा हूं इसका तो ये स्टार्ट करेगा इट विल स्टार्ट इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड स्टार्ट मूविंग स्टार्ट मूविंग इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड तो जब स्टार्ट मूविंग अपवर्ड करेगा तो फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास इट विल नॉट बी सम ऑफ ऑल सेटिस फोर्सिस जीरो नहीं होंगे कंडीशन कंडीशन को को जरा देखें देखें अब टॉर्क हमारे पास इक्वल होता है आर एफ अब यहां पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस डिस्टेंस पे आर है ये एफ है तो यहां पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो होगा क्लॉकवाइज और वो इक्वल है आर एफ सही है यहां पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा यहां पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा देखें जरा टॉर्क इज़ इक्वल टू और ये क्लॉक वाइज होगा तो एंटी क्लॉक वाइज प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉक वाइज स्टॉक कोई टू है वो है टू एफ तो टू टू कैंसिल्लॉक वाइज टॉर्क होगा वो हमारे पास होगा आर एफ तो क्लॉक वाइज स्टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज स्टॉक तो जब क्लॉक वाइज स्टॉक एंटी क्लॉक वाइज इक्वल होगा क्लॉक टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज तो कंडीशन हमारे पास सेटिसफाई होगी डेट इज कंडीशन हमारे क्लॉक वाइज टॉर्क यहां पे अब आपको लग रहा है कि इसमें रोटेशन होगी लेकिन अगर आप बाय फॉर्मूला यूज करेंगे यह exactly पे नहीं है, यह पे है। तो यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा और यहां पर होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा इस यहां यहां पे क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉक वाइज सेम आ रहे हैं तो इस केस में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि तो जब एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करे उसको हम कहेंगे कंप्लीट इक्विलिब्रियम इसको हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते इसको भी हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते तो दिस वॉज अबाउट द इक्विलिब्रियम डेट वॉज द इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के कंडीशन क्या होते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम कैसे कहते हैं सम ऑफ ऑल टॉर्क्स कैसे कहते हैं वेक्टर सम ऑफ टॉर्क्स कैसे कहते हैं हमने काफ़ी डिटेल में uh, इन चीज़ों को समझने की कोशिश की है